हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं इंजीनियर शुभम नागपुरे, डिजाइन इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका विच सॉफ्टवेयर आर यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में आपको कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर को मैंने तीन टाइप में कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहला दोस्तों है आपका बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर, देन सेकंड वन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड द लास्ट वन बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो सबसे पहला आपका है बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर, उसमें आप दोस्तों हम क्या फोकस करते हैं, जो मेनली हम फोकस करते हैं वो है आपका प्लानिंग। प्लानिंग मतलब क्या होगा, जो हम ऑटोकैड में जो वर्किंग ड्राइंग बनाते हैं, स्ट्रक्चर ड्राइंग बनाते हैं, वो यहाँ पे प्लानिंग उसके बारे में बता रहा है। और जो यहाँ पे दिया सेकंड, डिजाइनिंग ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर, डिजाइनिंग करते हम लोग अलग अलग एलिवेशन बनाते हैं, वॉक थ्रू बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोग अलग अलग 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका सेकंड पॉइंट है वो है आपका बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो भी आपका प्रोजेक्ट रहता है या फिर आपका जो भी स्ट्रक्चर रहता है उसको सबसे पहले हम लोग एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद वो स्ट्रक्चर का हम लोग डिजाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चरल सॉफ्टवेयर। जो आपका जो थर्ड पॉइंट है दोस्तों वो है आपका बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है दोस्तों, इसमें लिखा है कि हैव द कैपेसिटी टू हेल्प प्लान। इसका मतलब क्या होगा, प्लान मतलब मैं वो आर्किटेक्चर वो सब प्लान की नहीं बात कर रहा हूँ, जो हम लोग प्लानिंग करते हैं, मतलब कि जो भी आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आ गया, आपके पास कोई भी क्लाइंट आ गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि सर हम लोग कल साइट में आप विजिट करेंगे, उसके बाद आपका साइट क्लीनिंग होगा, एक्सकवेशन होगा। मैं उसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो प्लानिंग यहाँ पे लिखा हुआ है प्लान करके, ठीक है। उसके बाद दिया आपका ऑर्गेनाइज, मैनेज रिसोर्स टूल और रिसोर्स एस्टीमेट। ऑर्गेनाइज मतलब कि हम लोग किस किस दिन कौन सा काम करेंगे, और जो दिया आपका मैनेज रिसोर्स टूल मतलब कि जैसे कि अगर आपका एक्सकवेशन हो रहा है, एक्सकवेशन में हम लोग को क्या क्या लगेगा, जो भी वहाँ पे मशीनरी यूज होगा, जो भी आपका मटेरियल यूज होगा। और यहाँ पे जो दिया रिसोर्स एस्टीमेट, जो भी हम काम को ले रहे हैं, जैसे कि JCB आएगा या फिर मटेरियल्स आएगा, तो उसका कॉस्टिंग, तो यहाँ पे वही पॉइंट दिया रिसोर्स एस्टीमेट। हम लोग उसमें कॉस्टिंग ये सब पूरा पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर, मतलब जो भी आर्किटेक्चर में जो भी सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर आता है वो क्या होता है हमारा। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा फॉर ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग के लिए दोस्तों अलग अलग और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे, पर मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया, सिर्फ और सिर्फ ऑटोकैड को मेंशन किया। मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ऑटोकैड में आपको पूरी एक्यूरेसी मिलती है, पूरा आप एक एक चीज अच्छे से बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग ऑटोकैड के अलावा जैसे कि स्केचअप हो गया, रैबिट हो गया, इसमें भी प्लानिंग होती है, मगर जो एक्यूरेसी आती है वो किसमें आती है, आपकी ऑटोकैड में। अब मैं ऑटोकैड में कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बताता हूँ, जैसे कि आपको पहला पॉइंट देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा है प्लानिंग एंड डिजाइनिंग विद गवर्नमेंट नॉर्म। जो भी हम लोग प्लानिंग करते हैं, जो भी डिजाइनिंग करते हैं, वो हम लोग टोटली गवर्नमेंट नॉर्म्स में हम लोग यहाँ पे पूरे प्लानिंग करते हैं ऑटोकैड में, ठीक है। दोस्तों जो आपका सेकंड पॉइंट है वो है प्लानिंग एंड डिजाइनिंग विद वास्तुशास्त्र, मतलब कि जो आपकी आर्किटेक्चर ड्राइंग होती है या फिर जो आपकी वर्किंग ड्राइंग होती है। इंडिया में हमारा बहुत वास्तुशास्त्र चलता है, तो हम लोग वहाँ पे वास्तुशास्त्र को अप्लाई करते हैं अपने ड्राइंग में, अपने प्लानिंग में, फ्लोर प्लानिंग भी करते हैं। तो दोस्तों आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो है आपका एलिवेशन एंड सेक्शनल व्यू ऑफ बिल्डिंग प्लान, मतलब कि आपका जो भी प्रोजेक्ट रहता है, जो भी आप प्लान बनाते हो, मैं जो उसकी बात करूं आर्किटेक्चर या फिर वर्किंग ड्राइंग बोल सकते हो, उसका हम लोग एलिवेशन बनाते हैं और सेक्शनल व्यू बनाते हैं। इसको क्यों बनाते हैं, जो कि आप यहां पे 6 पॉइंट में देख सकते हो। कंप्लीट सबमिशन ड्राइंग, सबमिशन ड्राइंग मतलब एक दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग नगर निगम ड्राइंग बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, ब्लू प्रिंट, या फिर हिंदी में बोला जाए तो उसको नक्शा। तो वो जो हम ड्राइंग बनाते हैं उसका एक एलिवेशन बनाते हैं, एलिवेशन के साथ साथ सेक्शनल व्यू, मतलब जो आपकी सबमिशन ड्राइंग होती है दोस्तों, उसमें हम लोग कौन सी ड्राइंग आती है, आपकी आर्किटेक्चर ड्राइंग जो कि हम लोग वर्किंग ड्राइंग बोलते हैं उसको, फिर उसके बाद आपका सेप्टिक टैंक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सेक्शनल व्यू, फ्रंट एलिवेशन, ये सब हम लोग को पूरा हर एक चीज बनाना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट मेंशन करके बता दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो दोस्तों आपका जो लास्ट पॉइंट है स्ट्रक्चरल ड्राइंग, इसमें दोस्तों हम स्ट्रक्चरल ड्राइंग भी बनाते हैं, जैसे कि आपका सेंटर लाइन ड्राइंग हो गया, ग्राउंड बीम, प्लेन बीम ड्राइंग, ये सब टाइप के ड्राइंग को हम लोग स्ट्रक्चरल ड्राइंग बोलते हैं। तो ये सब पूरा चीज आप ऑटोकैड में बना सकते हैं। दोस्तों जो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका फॉर 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। फॉर 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में आपका क्या क्या आ जाएगा, गूगल स्केचअप आ जाएगा, रैबिट आर्किटेक्चर और 3ds मैक्स। इसमें दोस्तों हम ये तीनों सॉफ्टवेयर से अलग अलग डिजाइनिंग कर सकते हैं, मतलब जिसको गूगल स्केचअप करना, क्योंकि आपको मैं आपको आगे और बताने वाला हूँ कि गूगल स्केचअप, रैबिट आर्किटेक्चर, 3ds मैक्स की क्यों यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो है आपका दोस्तों वो है आपका गूगल स्केचअप, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है स्केचअप फॉर्मली गूगल। तो दोस्तों यहाँ पे गूगल इसलिए नाम लिखा है क्योंकि ये गूगल की एक प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं गूगल स्केचअप, ठीक है। जो फिर सेकंड पॉइंट ये, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, इसके पहले स्लाइड में बताया कि
ये जो आपका गूगल स्केचअप हो गया, रेविट हो गया, 3ds मैक्स हो गया, ये आपका 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे वही मेंशन किया है। थर्ड पॉइंट में बोला है इट कैन बी यूज्ड एज आर्किटेक्चर ड्राइंग, इंटीरियर डिजाइनिंग। इसमें हम लोग आर्किटेक्चर ड्राइंग कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हैं और बहुत सारी अलग अलग चीजें बना सकते हैं। तो दोस्तों आपका जो लास्ट पॉइंट है इसमें क्या बोल रहा है कि ऑनलाइन ओपन सोर्स लाइब्रेरी, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपको अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स मिल सकते हैं। आप कंपोनेंट्स को मैं डिफाइन करूं तो कंपोनेंट्स मतलब आपका होता है कि आपके जैसे टेबल हो गया, फर्नीचर हो गया, या फिर कार हो गया, टीवी हो गया, तो ये अलग अलग क्या हमारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो आप ये सब पूरा गूगल स्केचअप में बना सकते हैं। दोस्तों आपका जो गूगल स्केचअप है वो आपका एकदम इजी सॉफ्टवेयर है, आप एकदम इसको जल्दी से लर्न कर सकते हैं। बहुत अच्छा भी, इसको बनाने में बहुत मतलब टाइम नहीं लगता, मतलब ये आप टाइम टेकिंग सॉफ्टवेयर नहीं, मतलब उसको जैसे कि आपके पास कोई भी एक क्लाइंट आता है वो बोलता है कि सर मेरे पास इतने बाई इतने का प्लान है, तो आप उसको चलो आधे घंटे में आप उसको आर्किटेक्चर ड्राइंग, जो आपकी वर्किंग ड्राइंग होती है, जो भी आपकी ग्राउंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान, वो आपको आप उसको बना के देते हो मिनिमम आधे घंटे में, ठीक है। उसके बाद वो क्लाइंट बोलता है कि सर आप थोड़ा सा मुझे नमूना या फिर थोड़ा सा सैंपल दिखा दो कि मेरा घर एग्जैक्ट कैसे दिखेगा। तो उस टाइम में हम लोग दोस्तों गूगल स्केचअप को ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि गूगल स्केचअप बहुत जल्दी से एकदम हमारे ड्राइंग को क्रिएट कर देता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका रेविट आर्किटेक्चर, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो आपका रेविट आर्किटेक्चर में जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, फैमिलीज मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है वॉल्स, रूफ, विंडो एंड डोर, ये सब क्या होता है, हम लोग इसको क्या बोलेंगे वॉल। आप लोग सोच रहे सर वॉल्स और रूफ विंडो ये सबको फैमिलीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रेविट की लैंग्वेज में हम लोग ये सब चीज को, जो भी हम चीज बनाते हैं वो क्या होता है रेविट के लिए एक फैमिली होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है इट कैन क्रिएट अ 2D एंड 3D मॉडलिंग। इसमें क्या होता है कि दोस्तों हम लोग को सबसे पहले तो यहाँ पे 2D ड्रॉइंग बनानी होती है, जैसे कि अगर आपके पास ऑटोकैड प्लान है, मतलब कि जैसे मैंने आपको अभी बताया ऑटोकैड प्लान को लोग रेविट में इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है क्रिएट एलिवेशन एंड सेक्शनल व्यू। दोस्तों इसमें जो सेक्शनल व्यू या फिर एलिवेशन जो भी हम बनाते हैं वो अलग ही लेवल का बनता है, मतलब कि एकदम जो क्लाइंट को जो डिमांड रहती है कि एक आर्किटेक्ट या फिर एक इंजीनियर उसको एक ऐसी फोटो देगा जो एक बार में पसंद आ जाए, तो इस टाइप के यहाँ पे एलिवेशन बनते हैं। और जो यहाँ पे सेक्शनल व्यू है जो हम लोग ऑटोकैड में इतनी मेहनत से जो हम लोग सेक्शन बनाते हैं एकदम अलग अलग करके, इसमें क्या होता है एक ऑप्शन रहता है, एक ऑप्शन बस आपको यहाँ पे लाइन खींचनी होती है और उसके बाद अपने आप आपका रेविट आर्किटेक्चर उसका एक सेक्शनल व्यू बना के दे देता है। फिर उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वॉक थ्रू ऑफ द प्रोजेक्ट। तो रेविट में एक तो वॉक थ्रू बनता है, वॉक थ्रू मतलब क्या होता है दोस्तों, आप लोग का एक एनिमेशन वीडियो होता है। तो इसमें हम लोग जैसे कि आपके पास कोई भी एक क्लाइंट आता है उसको हम बोल सकते हैं कि सर हम आपका एलिवेशन तो बना के दे दिए पर आपको हम लोग विजुअलाइज करा सकते हैं, आपको एक फील करा सकते हैं कि सर आपका जब घर मतलब आपका घर कैसे बाहर से कैसा दिख रहा है, अंदर से जाएं तो कैसा दिखेगा, तो एक वीडियो बना के दे सकते हैं जो कि 20 से 30 सेकंड का बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका 3ds Max। 3ds Max क्या होता है दोस्तों, आपका यहाँ पे पहला पॉइंट में लिखा है प्रोफेशनल 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम। यहाँ पे लिखा है प्रोफेशनल, प्रोफेशनल मतलब बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों, यहाँ पे बहुत अलग बात है क्योंकि 3ds Max में ये एक ऐसा एक लौता सॉफ्टवेयर है। इसमें जो हम लोग आपको मैं सीधे सीधे यहाँ पे साफ साफ बताना चाहता हूँ, जो आपका 3ds Max होता है वो स्पेशली हम लोग किसके लिए बनाते हैं, मॉडलिंग करने के लिए, रेंडरिंग करने के लिए और जो विजुअलाइजेशन, जो हम लोग रेविट में भी विजुअलाइजेशन करते हैं मगर इसकी जो विजुअलाइजेशन होती है वो अलग लेवल की होती है। अगर मैं रेविट को ये बोलूंगा तो 3ds Max को ये बोलूंगा, क्योंकि आप देख पा रहे ये लेवल क्या हो रहा है यहाँ पे अलग है, इसी कारण 3ds Max को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। पर दोस्तों जो आपका 3ds Max है ये स्पेशली ऐसा नहीं कि बस सिविल इंजीनियर के लिए, ये सॉफ्टवेयर को कोई भी यूज कर सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर हो, क्योंकि हम लोग को उसमें डिजाइनिंग करनी होती है, क्योंकि आपका 3ds Max में हम लोग अलग अलग चीज को भी डिजाइन करते हैं, जैसे गेमिंग के लिए डिजाइनिंग करते हैं, फिल्म के लिए डिजाइन करते हैं, तो ये सब के लिए आपका 3ds Max सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे जो दिया एलिगेंट विजुअलाइजेशन, मतलब बहुत अलग ही लेवल, जो मैं आप लोगों को बताया था रेविट और 3ds Max, इसमें आप अलग ही लेवल का आपको वॉक थ्रू यहाँ पे मिलेगा जो कि एकदम बहुत ज्यादा शानदार होता है। यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट दिया है जैसे कि आपका गूगल सर्चअप हो गया, रेविट आर्किटेक्चर हो गया और 3ds Max, तो 3ds Max को यहाँ पे बोला गया है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम, क्योंकि इसकी जो विजुअलाइजेशन जो यहाँ पे मैंने आपको बताया एलिगेंट विजुअलाइजेशन होता है, मतलब कि अलग ही शानदार वाला, जो आप लोग YouTube में देखते होंगे जो अलग ही टाइप के जो वीडियोस होते हैं आप इसमें 3ds Max में बना सकते हैं। फिर आपका जो लास्ट पॉइंट दिया है दोस्तों, मैं आप लोग को एक डिफरेंस बताऊंगा, जैसे कि आपका ये रेविट आर्किटेक्चर है और ये 3ds Max है, ठीक है। रेविट आर्किटेक्चर में क्या होता है दोस्तों, आप लोग का ये आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे जो लिखा है कैरेक्टर मॉडलिंग आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा होगा एनिमेशन एज वेल एज रेंडरिंग फोटोरियलिस्टिक इमेज। मैंने जैसे आप लोग को यहाँ पे बताया था एलिगेंट विजुअलाइजेशन, तो यहाँ पे जो वर्ड दिया है एनिमेशन एज वेल एज द रेंडरिंग फोटोरियलिस्टिक,
मतलब कि ये भी आपका वही आपको पॉइंट दर्शा रहा है कि एलिगेंट रियलिस्टिक फोटो रियलिस्टिक इमेज आप लोगों को यहाँ पे 3ds मैक्स में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम जो देखने वाले हैं वो है आपका और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपके क्या क्या किस टाइप के सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे। तो दोस्तों जो आपका सबसे पहला पॉइंट है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और उसके बाद है आपका माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जान लेते हैं। जो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है वो है आपका MS Excel is a spreadsheet developed by Microsoft। मतलब ये MS Excel आपका एक तरह का स्प्रेडशीट होता है। इसमें हम लोग अलग अलग टाइप के कैलकुलेशन बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट के यहाँ पे काम करते हैं, जो कि इसको जो डेवलप किया है वो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। किसके लिए? विंडोज के लिए, मैक ओएस के लिए, एंड्रॉइड के लिए और iOS के लिए। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है इसको यहाँ पे हर लोग यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि सिविल इंजीनियर कर रहे हैं, यहाँ पे अलग डिपार्टमेंट मतलब टेक्निकल डिपार्टमेंट भी यूज कर रहा है और नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट भी यूज कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो थर्ड पॉइंट दिया वो है ऑल सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन। मतलब कि आप इसमें बड़े से बड़े प्रोजेक्ट का आप इसमें आसानी से एकदम चुटकी में आप पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एमएस एक्सेल। तो दोस्तों आपको जो फोर्थ पॉइंट दिया इसमें क्या लिखा है, इट इजी टू इंटरप्रेट डाटा और मॉडिफाई। मतलब कि आपका जो भी डाटा रहेगा आप उसको चेंज भी कर सकते हो बहुत ही आसानी से और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो दोस्तों आपका जो लास्ट पॉइंट दिया वो क्या है, इट कैन बी यूज इन। मतलब कि आप एक्सेल को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, सर्वेइंग में, प्लानिंग में, कॉन्ट्रैक्ट, बजटिंग, क्वांटिटी सर्वे, क्वांटिटी एस्टिमेट एंड बीओक्यू। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट दिया है, इट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। क्योंकि ये जो आपका MSPM माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ये आपका एक सॉफ्टवेयर है पर इसको हम लोग एक टूल भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपका जो सेकंड पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, इट इज डिजाइन टू असिस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर। तो दोस्तों इसको जो बनाया गया है, ये सॉफ्टवेयर को जो बनाया गया है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए बनाया गया है। क्योंकि इसमें क्या लिखा है, डेवलपिंग अ प्लान। डेवलपिंग अ प्लान मतलब कि ये हो गया कि आपका आप प्लान मतलब ऑटोकैड प्लान का मत सोचना। इसमें प्लानिंग करते हैं कि मतलब कौन से दिन क्या क्या काम होने वाला है। मतलब कि जैसे कि आपको मैं जैसे पहले बताया था, साइट क्लीनिंग होगा, फिर उसके बाद आपका एक्सकवेशन होगा। तो इसमें क्या दिया, डेवलपिंग अ प्लान, इसका मतलब वही बोल रहा है। फिर उसके बाद दिया मैनेजिंग द बजट। तो आप ये सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप अपने बजट को पूरा मैनेज कर सकते हो। मतलब कि स्टार्टिंग से लेके मतलब साइट क्लीनिंग से लेके पूरा फिनिशिंग लेवल तक आप इसमें पूरे बजट को मैनेज कर सकते हो। एंड आपका जो लास्ट में दिया एनालाइजिंग द वर्कलोड, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपका जो भी काम होने वाला है तो उसको आप एनालाइज कर सकते हो। मतलब कि उसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। दोस्तों आपका जो नेक्स्ट पॉइंट दिया उसमें क्या लिखा है, एज रिसोर्सेज आर डिजाइन। मतलब रिसोर्सेज मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपका जो भी काम होने वाला है, ठीक है, जैसे कि एक्सकवेशन का ही मैं फिर से आपको एग्जांपल दूंगा। तो एक्सकवेशन के दिन उस दिन क्या क्या काम होने वाला, मतलब उस दिन कितने लोग लगने वाले हैं, जैसे साइट इंजीनियर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, फिर क्या क्या मटेरियल लगने वाला है, क्या क्या इक्विपमेंट यूज होने वाले हैं। तो यहाँ पे वही दिया है, एस रिसोर्सेज आर डिजाइन टू टास्क। ठीक है, फिर उसके बाद दिया आपका दिस प्रोग्राम कैलकुलेट द कॉस्ट। इसमें मैंने जैसे कि आपको यहाँ पे पहले पॉइंट में बताया कि आप इसमें पूरा स्टार्टिंग लेवल से वही आपका साइट क्लीनिंग से लेकर एक एक चीज तक पूरा फिनिशिंग लेवल तक यहाँ पे आप पूरा एस्टिमेट कर सकते हो। मतलब कॉस्ट पूरा एक निकाल सकते हो और एकदम एग्जैक्ट कॉस्ट निकाल सकते हो कि कितना लग सकता है हमारे इस प्रोजेक्ट में काम। तो दोस्तों जो आपका जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है आपका बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल डिजाइन, की स्ट्रक्चरल डिजाइन में हम लोगों को कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहिए। जो सबसे पहला होता है स्टेट्रो वर्जन ATI एंड जो लास्ट है वो आपका ई टाइप। तो इसके बारे में देख लेते हैं, जो सबसे पहला आपका है वो है ई टाइप। तो ई टाइप क्या होता है, पहले तो इसका मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। जो आपका ई टाइप है, ई स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड, T stand for three dimensional, A stand for analysis and B stand for building and S stand for structure। तो इसका यहाँ पे आप लोग के लिए मैं फुल फॉर्म दे दिया हूँ। जो फिर इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है, इट गिव्स इकोनॉमिकल रिजल्ट व्हेन कंपेयर टू स्टेट्रो। मतलब कि यहाँ पे जो हमको रिजल्ट मिलता है वो स्टेट्रो से बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, इकोनॉमिकल होता है। उसके बाद दोस्तों जो आपका थर्ड पॉइंट दिया कि आपका जो भी प्रोजेक्ट रहेगा उस स्ट्रक्चर का आप एनालिसिस कर सकते हो और अच्छे से उसका डिजाइन भी कर सकते हो। और जो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट दिया वो है, इट इज बेस्ट फॉर RCC स्ट्रक्चर डिजाइन। जो आपका जो दोस्तों ई टाइप होता है वो RCC का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बना के देता है, अच्छे से डिजाइन करके देता है। तो दोस्तों जो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टैंडर्ड बिल्डिंग कोड्स। मतलब कि इसका ये हो कि ये आपका जो सॉफ्टवेयर है आपको बिल्डिंग कोड्स अप्लाई करने देगा, जो भी आपका IS कोड रहता है वो सब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका जो लास्ट पॉइंट है वो है, लेस चांस ऑफ हैविंग एनी एरर। तो इसमें एरर की बहुत चांसेस बहुत कम होते हैं ई टाइप।
टाइप में। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑफर जो है आपका वो है आपका स्टेट्रो वर्जन ए टाइप। तो ये दोस्तों ये जो इसका जो पॉइंट है पहला स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन सॉफ्टवेयर, इसमें भी हम लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं और डिजाइनिंग करते हैं, क्योंकि ई टाइप और जो स्टेट्रो है इसमें हम लोग दोनों स्ट्रक्चर एनालिसिस भी करते हैं और वो उस स्ट्रक्चर का हम लोग डिजाइन भी करते हैं। दोस्तों जो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इट इज नॉट लाइक ऑटोकैड, मतलब ये ऑटोकैड की तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें जब हम लोग वर्क करते हैं तो टू डायमेंशनल की तरह वर्क करना पड़ता है और दैट इज नॉट डिटेल व्हाइल स्टेट्रो वर्क इन 3D, तो मतलब कि इसमें हम लोग को 3D में वर्क करने को नहीं मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद इट इज बेस्ट सुटेड फॉर स्टील डिजाइन, मैंने आप लोग को ई टाइप में क्या बताया था, ई टाइप स्पेशली डिजाइन फॉर RCC स्ट्रक्चर, पर आपका जो स्टेट्रो है वो स्पेशली डिजाइन फॉर स्टील डिजाइन। फिर उसके बाद दिया आपका दोस्तों सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टैंडर्ड बिल्डिंग कोड्स, जैसे कि मैंने आप लोग को ई टाइप में भी बताया था, इसमें भी ई टाइप में भी आप स्टैंडर्ड बिल्डिंग कोड्स को यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ स्टेट्रो में भी आप स्टैंडर्ड बिल्डिंग कोड्स को अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो चाइना का रहे, USA का रहे या फिर इंडिया का रहे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका लाइक करना शेयर करना हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और इसी मोटिवेशन के साथ सिविल गुरुजी और भी वीडियोस लाते रहेगा। तो दोस्तों इसी जोर से जुनून के साथ बने रहिएगा सिविल गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सिविल गुरुजी। थैंक यू दोस्तों। सिविल के बाद गुरुजी के साथ।